आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा विषय भी जो प्रहलाद जी बोल चुके हैं उसी से जुड़ा हुआ है और विषय ये है कि ये कुछ नाम मैं पढ़ने जा रही हूँ, प्रमोद, रामचंद्रन, विनीश, विष्णु, रमित, अनिल कुमार, राधा कृष्णन, विमला, संतोष, निर्मल, रविंद्रनाथ, सुजीत, बिजू, राजेश, ये नाम किसी को समझ आते हैं क्या? लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगी पीलू पहलवान या अखलाक सबको सुनाई देता है। कारण यह है कि ये 14 नाम उन लोगों के हैं जिनको केरल में राजनीतिक हत्या की गई और इन 14 नामों को कोई पहचानता भी नहीं है। जो लोग लगातार इनटॉलरेंस पर भाषण देते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं, वो लोकतंत्र के अंदर दूसरी विचारधारा वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये 14 नाम उन लोगों के हैं जहां पर 7 बच्चों के ऊपर अटैक किया गया, अगर पिता घर में नहीं था तो बच्चे की बाजू काटी गई तलवार से, 7 साल के बच्चे की। मेरी आंखों के सामने वो चेहरे याद आते हैं, विमला जिसको जलाकर मार दिया, उसके 2 बच्चे अश्वति और अश्विन, 2 बच्चे जिनके चेहरे सामने आते हैं, राधा कृष्णन उन्हीं के जेठ लगते हैं, उनके 2 बच्चे अरुण, और ऐसे ही एक लड़की जिसको सेल मी द आंसर करके वो वहां की ऑलमोस्ट सेलिब्रिटी स्टार बनी, विस्मया के पिता संतोष की इतनी क्रूरता से हत्या हुई कि उसके अंदर विस्मया सेल मी द आंसर में जो MLA है मार्क्सिस्ट पार्टी के, उन्होंने ये प्रश्न किया और उसके अंदर उस बच्चे से बात कर रहे हैं, इतनी ब्रिलियंट वो लड़की है। कहा जाता है कि विस्मया को किसी भाई ने चूटी क्यों मारी, तो कहा कि भाई वो गुड़िया मुझे चाहिए थी तो मैंने उसको चूटी मारी और उसकी गुड़िया छीन ली। तो माँ कहती है कि जिंदगी जो है लेने और देने पर ही व्यवस्थित है, तो मैंने उसको चूटी दी और गुड़िया ली। और इसी प्रकार से जो वहां की सरकार के लोग हैं उन्होंने उस लड़की को एक सेलिब्रिटी तो बनाया लेकिन उसके पिता को उससे ले लिया और उसके सामने क्रूर हत्या की। राजेश नाम के व्यक्ति को अगर मैं यहाँ पर व्याख्यान करूं तो आप हैरान होंगे, 80 उसके शरीर पर 80 वुंड्स थे पहले हथियार के, और उसका हाथ काट कर फेंक दिया गया था। ये अभी 2 दिन पहले का नृशंस हत्याकांड है और उस हत्या को याद करते ही जयकृष्णन मास्टर, चंद्रशेखरन, ऐसी सब हत्याएं याद आती हैं जहां पर इतनी क्रूरता और तालिबानिक स्टाइल के साथ लोगों को मारा गया। लगातार आईसिस में शामिल होने वाले लोग अधिकतर इसी राज्य से आते हैं। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ये RSS और BJP का केवल मुद्दा नहीं है, कन्नूर जैसी कुख्यात जगह पर 40 कांग्रेस के वर्करों को मारा गया है, 7 मुस्लिम लीग के वर्कर्स को मारा गया है, 3 SDPI के वर्कर्स को मारा गया है, और जो रोहित विमला की हत्याकांड बनाना चाहते हैं जो कि एक आत्महत्या थी, उन्हीं को मैं आज याद दिलाना चाहती हूँ कि वहां पर सबसे अधिक 51 महिलाओं के ऊपर जो है अपराधी घटनाएं घटी जिसमें दलित महिलाएं शामिल थी। और जो 14 हत्याओं की मैं बात कर रही हूँ, 14 में से 4 दलित हैं। ये नहीं चाहते कि दूसरे कोई रामनाथ कोविंद पैदा हो क्योंकि इनके पोलिट ब्यूरो में एक भी दलित नहीं है। और लगातार जो गॉड जोन कंट्री है वो आज गॉड फॉरसेकन कंट्री बनी हुई है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के खिलाफ ये किसी को खड़े नहीं होना देना चाहते। ऐसे में अध्यक्ष जी 3-4 नाम मैं जरूर लेना चाहती हूँ कि दामोदरन, CPM, इन्होंने अपने ही लोगों को मारा, CPM के लोगों ने CPI के लोगों को मारा, इन्होंने कांग्रेस के लोगों को मारा, लेकिन मुझे जो बात समझ नहीं आती वो ये समझ नहीं आती कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग मारे जाते और हम कम से कम आवाज तो उठाते, बाकी लोग राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण चुप कैसे रहते, अपनों को मरता हुआ देखते कैसे है? और लोकतंत्र के अंदर
राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन राजनीतिक मतभेद लोगों को मारने के लिए नहीं हो सकता, किसी को मारने की हत्या का अधिकार नहीं देता इस संसद के माध्यम से। और मैं अब्दुल्ला कुट्टी की बात याद दिलाना चाहती हूँ जो कि संसद सदस्य रहे हैं। अब्दुल्ला कुट्टी के मुताबिक पिनराई विजयन ने जब वो जनरल सेक्रेटरी थे अपनी पार्टी के 2008 में ऐसा बयान दिया और कहा कि कन्नूर मॉडल जो है वो बहुत विध्वंसक है, बंगाल मॉडल फॉलो किया जाना चाहिए। एमएम मनी याद दिलाना चाहती हूँ, जो इनको एक दो तीन मनी कहा जाता है क्योंकि तीन जयराजन जैसे लोग जो कि आज कन्नूर से हटकर बल्कि त्रिवेंद्रम चले गए और त्रिवेंद्रम के अंदर ये हत्याएं हो रही है। फाइनल हो गया ना अध्यक्ष, अध्यक्ष जी एक लाइन अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी एक लाइन, अध्यक्ष जी madam, all these days we are discussing about this, the so-called intolerance in the country, but it is very unfortunate that in Kerala, day to day, they are murdering, the political murders have been taking place with the encouragement of the present government. As soon as this present government took over, 17 Marxist government, 17 murders. They 17 months ho gaya. They completed 17 months in the office. 17 people have been killed, madam. They all belong to either BJP, RSS. Even Congress should be ashamed. Two of their workers have also been killed. But unfortunately, Congress is not raising the issue, but they are hobnobbing with them in the parliament and in Delhi. They are fighting there and hobnobbing here. My state thing is, in last 17 months, 17 murders, and every day, every month, they are murdering one political person affiliated to either BJP or RSS. It is so bad that even the Bala Gokulam was attacked, where children were participated in a julus, and they are attacked, and so many children have been injured. And recently, madam, only in CM's district, in present CM district, which falls in Kannur district, it is called Pinarayi. The name of village is Pinarayi, and the CM hails from that district. CPM state secretary hails from district. In that district only maximum murders have been taken place. Total 17 murders in 17 months. Not only that, what happened to Rajesh, Idkavade, Vasu, all these things, we know, madam. And also it doesn't stop there, madam. Madam, the petrol bomb was hurled at BJP office in Trivandrum. The headquarter of the BJP office was attacked. To you, madam, I would like to ask one question. It is the duty of the state government to protect. And we have to, if at all we have difference of opinion, we should respect each other. This is what democracy tells. But these people, they do not believe in democracy because they are the highest killers in the world. During the communist regime, more than one million people have been killed during the communist regime in the world. Madam, not only that, madam, I would like to Kollam, 5 black posts and 3 boxes of the BJP have been burnt. Attacks BMS office in Chertala and Aldapura. Attacked BJP office in Kamakulam. Attacked Kottayam. Attacked BJP office in Vaikum and Kudamatti. And Ernakulam. Destroy the posters. ABP workers were attacked, yes, in Ittamanapuram College, yes, in government IIT, and Ernakulam destroyed the posters. And BJP Karakartas were attacked. Trishur, destroy the BJP office. Yes. Sir, madam, every day BJP office, RSS office being attacked. These all incidents should be inquired by
by NIA or by CBI, then only truth will come out, madam. With this demand, once again I reiterate, it should be inquired by NIA because they are linked with the terrorist activities also, and these CPM gundas, they are supporting them. This is the problem, madam. Thank you very much, madam. Meenakshi Lekhi. सेम इशू योर बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्षा जी. अध्यक्ष जी, आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ. मेरा विषय भी जो प्रहलाद जी बोल चुके हैं उसी से जुड़ा हुआ है, और विषय ये है कि ये कुछ नाम मैं पढ़ने जा रही हूँ.